यू नो खाना निवाला हम मुंह में लेने तक वो हो रहा था ठंडा ठंडा ऐसे और पानी पीने में पानी के अंदर बर्फ, हर जगह में बर्फ, वॉशरूम में बर्फ, हर जगह में। ट्रैवलिंग हुआ और हे पीपल, तो आज मैं शूट करने वाली हूँ ट्रैवलिंग व्लॉग। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने हम जहाँ जा रहे हैं उसके पहले हॉल्ट है 5 आवर्स का दिल्ली एयरपोर्ट। हमारी फर्स्ट ट्रिप है ऐसे, मतलब कहीं हम बाहर जा रहे हैं विद माई फ्रेंड विशाल, हाय एंड एलिस, मजा आएगा। बाय बाय। बहुत नींद आ रही ना, पूरी रात गुजारनी है। You'll sleep, I'll be awake for you. क्या सच्ची मैम, सब ध्यान रखेंगे एकदम। बस 3 के बाद का जो समय होता है ना वो बहुत कठिन होता है, उसका गारंटी नहीं है। ऐसे हो सकता है डुबुक डुबुक और विशाल लाइक वो तो अभी फुकुक करके बैठ गए। देखो विशाल वाइल्ड लाइफ बनता है, बिजी बहुत बिजी। यस और से देखिए इस चेहरे को, ये एयरपोर्ट पे भी अपने कपड़े सुखाने रख सकता है विशाल। वूहू, आ गए हम कश्मीर। सुबह के 6:30 है। माय गॉड, मतलब हम लैंड करने ही वाले हैं एंड कितना खूबसूरत लग रहा है ना मॉर्निंग के 6:30। हम लोग रात भर सोए नहीं एयरपोर्ट पे, फिर भी इतनी एनर्जी, माय गॉड, इतनी खुशी हो रही है कश्मीर जाने की और बर्फ देखने की कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोना के नखरे। तो आज है कश्मीर का व्लॉग और आज हम स्टे कर रहे हैं बोट हाउस में। इतना खूबसूरत है, मतलब देख के मज़ा आ गया। इट मीन्स लाइक यू नो ऐसे गांव का घर काइंड ऑफ ऐसे टाइप का फील है वो वाला मेरे है ना। Isn't it beautiful? सुबह सुबह पहुंचे हम यहाँ पे, तब 2 डिग्री था टेम्परेचर, अब पता नहीं कितना है बट thank you.
मैं देखो बाथटब प्रोवाइड किया है, बट मुझे नहीं लगता इतनी ठंड में कोई बाथटब यूज करेगा, यहाँ पे नहाना है भी या नहीं उसका ही कंफ्यूजन है मुझे बहुत ज्यादा। एंड बाथटब से नजारा दिखाती हूँ, मतलब आप नहाते नहाते भी नजारे ले सकते, पूरा डल लेक दिखेगा, दूसरे बोट हाउसेस भी है, पूरा नेचर दिख रहा है एंड बेहद खूबसूरत लग रहा है ये चीज मुझे। एंड पता नहीं रात को कैसे लगेगा, बिकॉज रात को कैसे लगेगा आई मीन मैं विंटर की बात करूँ, ठंडी की बात करूँ कि कैसे लगेगा नो आइडिया। अभी हम लोग सुबह मॉर्निंग में पहुंचे थे, कितने बजे बेटा, 9 o'clock को वगैरह पहुंचे थे। एंड नाउ हमको हम सो गए उसके बाद, और अभी हमको खतरनाक तरीके से भूख लगी, तो पहले हम कुछ खा पी लेंगे एंड ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा रात की ठंडी वगैरह देखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अब हम बैठे हैं शिकारा में और जाने वाले कुछ खाने के लिए एंड कुछ चीजें भी देखने के लिए। बहुत खूबसूरत लग रहा है, एक्चुअली धूप है इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंड तो लग रही है बट फिर भी अच्छा लग रहा है ना। आजू बाजू को दिखा तो दिखा ना, ये सारी चीजें दिखा उनको, ये देखो हमारी कितनी वाट लग चुकी है। श्रीनगर में तो बर्फ भी नहीं, फिर भी ठंड के मारे हम मरे जा रहे। ओके, और हमने गाना भी प्रिपेयर किया है जो कश्मीरी है। या यार न तड़पो नस, अख तड़पो नस, बेवद नौनस, तन्हाव त्रुनस। अब हम जा रहे हैं निशात गार्डन, और हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि कश्मीरी ड्रेस में तो फोटो खींचना ही है, तो वो फोटोज हम इस गार्डन में खींचने वाले हैं। मतलब भाई लगाइए आप, आपके लिए अच्छा ड्रेस है हमारे पास, ट्राई करो भाई, मेमोरी रहता है। नहीं, जेंट्स वाला ड्रेस पहनो, हैदर वाला। अगर आपने मेरी कश्मीरी ड्रेस पे अभी तक फोटो नहीं देखी होगी तो इंस्टाग्राम पे जाके जल्दी जल्दी देखो, नेकरे वाली मोना नाम है मेरे अकाउंट का। रुकना, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ कैसा लग रहा है कश्मीरी ड्रेस मेरे पे। और अब ये है परी महल 7 Terraced Garden, तो हम उतना ऊपर चढ़ के जाने वाले ऊपर से व्यू देखने के लिए, एंड नीचे से भी ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब ऊपर जाएंगे, दिस इज हाउ इट लुक्स ऊपर से 7 Terraced Garden, बड़ा अच्छा नजारा है। गुलमर्ग में हमको बर्फ मिलने वाली है, तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं गुलमर्ग। ऑन द वे टू गुलमर्ग 30 and 31st हम वहाँ पे रहने वाले हैं, 31st की नाइट वहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज यार, मैं बर्फ पहले बार देख रही हूँ, मेरी खुशी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही इसको देख के, दिस इज सो डैम ब्यूटीफुल। बस रात का मुझे नहीं पता कि हम इस बर्फ ठंड को झेल पाएंगे या नहीं, बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सूरज ढलने से पहले मैं बाहर निकली हूँ, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसको देखने के लिए, दूसरे दिन हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, बट लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या है। बट सूरज ढलने से पहले जल्दी जल्दी बस व्लॉग निकाल लूँ। हे पीपल, तो अब मैं हूँ गुलमर्ग में, मेरे दोस्त वहाँ पे चल रहे हैं अभी भी, वो देखो चल भी नहीं रहे हैं, माफ कसम इन लोगों का कुछ और चालू है। और यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है बहुत पुराना, तो वहाँ पे जाएंगे अभी हम। सूरज तो ढल चुका है, होप मैं ब्लॉग बना सकूँ, पर देखो कितना खूबसूरत लग रहा है गुलमर्ग। अभी आप लोग कहाँ पे हो? गुलमर्ग में और हट में स्टे कर रहे हैं। वाओ, मजा आ रहा है। होटल में नहीं, आप लोग हट में रह रहे हो? ओके, हाँ। यस, चलो चलो चलो। तो आज है डे 2 एट गुलमर्ग, कल हम मंदिर गए थे, आज हम स्लेज राइड का सोच रहे हैं। स्लेज राइड दिख रहा है? देखो दिख रहा है क्या यहाँ पे? दिख रहा है गाइस, आपको दिख रहा है? एंड विशाल हमारे साथ नहीं क्योंकि वो स्केटिंग करना चाहता है, तो स्केटिंग नहीं, स्काइंग स्काइंग सॉरी तो स्काइंग
asking. मुझे तो प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, तो गलत तो हो ही गया होगा. Of course. तो कल रात हमारी कुछ इस तरीके की हालत थी. कल गुलमर्ग में -7 degrees and it would go worse than that. और वो एक सर्वाइवल ट्रिप जैसे हो गया था. यू नो, खाना निवाला हम मुंह में लेने तक वो हो रहा था ठंडा ठंडा ऐसे और पानी पीने में पानी के अंदर बर्फ, हर जगह में बर्फ, वॉशरूम में बर्फ, हर जगह. इट वॉज डेंजरस. तो आज धूप में थोड़ा था, अब अच्छा लग रहा है एंड वी आर एंजॉयिंग इट. अब स्लेज राइड देखो. स्लेज राइड वी आर डूइंग. एलिस से हाय. ये देखो एलिस कैसे डुपुक डुपुक करके आई ऊपर से नीचे. एंड दिस इज मी. माय गॉड. अब हम कर रहे हैं गंडोला राइड और हमारे गाइड है. आपका नाम क्या है? फीट ऊपर है. यहाँ भी हम 8400 पे हैं जो गुलमर्ग. यहाँ पे आप गंडोला गए थे, अभी हम जाएंगे 10,500 फुट हाइट पे फेज 1 जिसका नाम है कोंगडोरी. वाओ एलिस, आर यू एक्साइटेड? ओहो वल्ला वल्ला, इश्क तेरा तड़पा. विशाल बता कैसे लग रहा है? देखे फोर्थ वीडियो नहीं. आप बताओ इनके बारे में. ये जो हाउस हमने देखे वो लोग यहाँ पे खाली समर के टाइम पे रहते हैं. पूरा फैमिली लेके जैसे विंटर में बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो लोग नीचे वैली में जाते हैं. अच्छा, वेकेशन हाउस. तो बार बार माइग्रेट करते रहते हैं लोग. तो आज है 31st की नाइट जिसके लिए हम कश्मीर आए हैं गुलमर्ग में. और हमने कितने सारे कपड़े पहने हैं ये मैं पता भी नहीं सकती, इतनी ठंड है यहाँ पे. आई गेस -7 -8. और हम जाएंगे बाहर बर्फ में पार्टी करने के लिए, जहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग हमको अभी दूर से दिख रही है, पास से हम आपको थोड़ी देर में दिखा देते हैं. बट फर्स्ट टाइम ऐसा इतने सारे कपड़ों में न्यू ईयर होता है. कुछ अलग न्यू ईयर हो रहा है. हाय मोनू. हाय. हेलो किया नहीं, पूरा मुंह फ्रीज होने को आया है. तो बाहर की पार्टी के बाद हम हट में आए पार्टी देखने के लिए. तो यहाँ पे हो रहा है एक बहुत ही खूबसूरत डांस. अब हमारा रूम के अंदर असली वाला जंगली डांस निकल के आएगा. तो हम रूम में आ गए हैं डांस करने के लिए, ठंडी को भगाने के लिए. टंग टिंग विशाल तो हिप हॉप करने लगा है भाई, देसी वाला कर. आज हमारा लास्ट डे है एट गुलमर्ग. 1st December 31st हमने यहाँ मनाया एकदम कड़कड़ती वाली ठंडी में. लास्ट टाइम हम स्नो देख रहे ऐसा लग रहा है, पता नहीं हम श्रीनगर जाएंगे अब वापस ना होगा या नहीं, पता नहीं. आई होप सो होगी होगी मे बी होपफुली अगर होगी तो मजा आएगा क्योंकि
मतलब वहाँ पे भी कुड़कुड़ नहीं है। हाँ। वहाँ पर भी कुड़कुड़ नन्नू सुकुड़न वो बंदर दिखा रहे हो बंदर किधर वो देखो वहाँ उस हट में हम लोग स्टे करते थे और रोज अप डाउन करते थे एक्टिविटीज वगैरह हर चीज के लिए और एलिस को स्टेयर फोबिया इसलिए उसको आधा घंटा लगता था उसको उतरने चढ़ने में। हे पीपल तो आज है हमारा लास्ट डे इन कश्मीर। कल हम वापस निकलने वाले घर के लिए। कल है 3 जनवरी और कल 1 तारीख को हम ट्रैवल कर रहे थे बस मतलब गुलमर्ग से श्रीनगर एंड उसके बाद हमने सिर्फ शॉपिंग वॉपिंग की ज्यादा कुछ किया नहीं तो उसका ब्लॉग तो नहीं ले पाई मैं। तो आज हम जाएंगे मानसबल लेक में उसका ब्लॉग ऑफकोर्स मिलेगा आपको। उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा और भी जगह है जहाँ पे हम घूमेंगे वगैरह वगैरह एंड आज एकदम मतलब ऐसा लास्ट डे और एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस। कभी हमने कश्मीर देखा ही नहीं था कभी हमने एक्चुअली बर्फ देखा नहीं था। अब हमने बर्फ देख लिया बट बर्फ गिरते हुए देखने की एक इच्छा थी कि मतलब ऐसे नहीं कैसे खेलने को लगता है आज बर्फ गिरेगी वाला वो खेलना था बट वो नहीं हो पाया। बट एनीवेज देखते हो आज गिराने वाला मैं ऊपर से तो नीचे रुको गॉड मतलब अच्छा। और आज का जो हमारा होटल है थोड़ा अलग है। ये सेंट्रलाइज हीटिंग वाला होटल है। इसमें मतलब नॉर्मली हम रह पा रहे हैं नहीं तो आप लोग सोच रहे होगे कि गुलमर्ग के होटल के अंदर का शूट क्यों नहीं किया। उसके पीछे रीजन था अरे बाप रे खतरनाक ठंडी -8-9 जो भी था उसके बाद सेंट्रलाइज हीटिंग नहीं ब्लैंकेट वो क्या है वो भी गर्म नहीं हो रहे थे कुछ नहीं बड़ी वाट लगी थी वहाँ पे। तो ये थोड़ा अच्छा है यहाँ पे अच्छा लग रहा है जरा सा। मिलते हैं मानसबल लेक पे। ए गुले दूसरा गुना किधर है ए छोटा सा है आप चल करना डांस। व्हाट इज दिस अब शेयर में ये दिस गणा 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 Now, this is मानसबल लेक और इस इंसान को मैंने जो जो बारा मराठी में सिखाया तो अब ये यही गुनगुनाएगा वीडियो में। रंग तेरे में ये तन रंग लिया जो 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 बाड़ा जो जो बाड़ा मुश्किल है जीना तेरे। जैसे मैंने आज सुबह आपको कहा था कि हम आज हमारा लास्ट डे है कश्मीर में और हम जा रहे हैं मानसबल लेक पे और उसके ही साइड में है ये एंशियंट टेंपल। बहुत सालों पुराना टेंपल है ये पानी के अंदर है और शिव जी का टेंपल है और कहते हैं कि जो भी विश मांगो यहाँ पे वो पूरी हो जाती है। नजदीक से दिखाओ यहाँ से। ओके इसमें बीच में होल है पानी के अंदर वो देखो छोटा सा मंदिर है मगर इसमें पानी में होल है। एक टाइम पे ये खुला होता था बट अभी आज इसको पूरा प्रोटेक्ट करके रखा गया है ताकि अंदर कोई ना जाए। वाओ देखो आप वो छोटा सा होल आपको दिख रहा होगा कहते हैं कभी कभार उधर से सांप भी निकलता है। बाय बाय कश्मीर विल मिस यू। सुबह की 8:30 की फ़्लाइट है हमारी और अब बजे है 6:30 एंड वापस हम मतलब बहुत मिस करने वाले हैं कश्मीर को। बहुत सारे मेमोरीज लेके जा रहे हैं हम यहाँ से। वापस कब स्नो देखने मिलेगा पता नहीं और वापस कब हम कश्मीर आएंगे भी या नहीं पता नहीं। बाय बाय डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।